पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो खेल खुल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। तो फाइनली खेल खेल में का ट्रेलर आ गया है भाई साहब, आ रही है 15 अगस्त को। अब लग रहा है ट्रेलर देखकर कि हाँ सच्ची में क्लैश करने लायक फिल्म है। ऐसे नहीं मेकर्स लड़ रहे थे कि हमें ही 15 अगस्त चाहिए। सच बता रहा हूं, देखो आज के टाइम में ना कहानी के ऊपर कम और ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा जोर होता है। स्टोरी जो है वन लाइनर होने वाली है कि भाई साहब 6 कप 3 कपल है, मतलब कि दोस्त हैं, बैठेंगे सामने और अपने फोन रख देंगे ओपनली, चाहे मेल आए, चाहे कॉल आए, चाहे एसएमएस आए, कुछ भी आए, सबके सामने इसको ओपन करना है। देखो फोन आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है किसी के लिए भी। फोन के अंदर सारे सीक्रेट होते हैं, उसके सारे भेद खुल जाते हैं। अब भाई सबको कुछ ना कुछ तो अटपटंगा सा आने वाला है, और उसके बीबी के सामने या उसके पति के सामने या दोस्तों के सामने जब राज खुलेंगे तो थ्रिल भी होगा, ट्विस्ट भी होगा, ट्रंग भी होगा, और भाई साहब कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ ना कुछ खटास भी आने वाली है। इन सब चीजों के ऊपर मुदस्सर अजीज एक भाई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है खेल खेल में। मैं कहता हूं ये फिल्म हंसते हंसते आपको एक मैसेज भी देकर जाएगी और टिल द एंड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाली। सच बता रहा हूं, ट्रेलर बहुत बढ़िया काटा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, फिल्म रिच लग रही है, सारे के सारी स्टार कास्ट बढ़िया लग रही है। आप ड्रेसिंग देखो सबकी, बहुत जबरदस्त लग रही है। जो लोकेशन है वो भी बहुत बढ़िया है, एक कमरे में शूट किए गए हैं, पर उस हिसाब से भी फिल्म अपने आप में लग रहा है कि हाँ मुदस्सर अजीज ने कुछ दम तो डाला है। वो वाला सीन देखो, एक तरफ पे भाई साहब फरदीन खान की बीबी लटकी होती है भाई साहब कूदने के लिए, और दूसरी तरफ एमी विर्क लटका होता है, और फरदीन खान वो जो चिल्ला रहा होता है ना, वो है बेबी वाली वाइब आ गई। सच बता रहा हूं, ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, और हां अब लग रहा है कि स्त्री के साथ और वेदा के साथ सही में क्लैश होगा। भाई साहब बहुत बड़ा वीकेंड है, और सच में जो राखी है ना 19 तारीख को, उस दिन सबसे पहली प्रायोरिटी पब्लिक इसको देगी। फिल्म अगर सही में बढ़िया बनकर निकली होगी ना तो ये फिल्म चल पड़ेगी, भले ही रीमेक हो, क्योंकि पब्लिक ने रीमेक देखा नहीं है। 19-20 देश इस फिल्म को बना चुके हैं, तो कुछ तो इसके अंदर बात होगी। अक्षय कुमार की लुक जबरदस्त लगी है, फरदीन खान, तापसी पन्नू, भाई साहब सबके सब स्टार कास्ट एक नंबर लग रहे हैं, अप टू द मार्क लग रहे हैं। मुझे ट्रेलर पसंद आया, मैं ट्रेलर को रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। जो अच्छा है तो अच्छा है, लगता है यहां से अक्षय कुमार का सूखा खत्म हो सकता है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बन सकते हैं, फाइनली उनको 100 करोड़ी फिल्म मिल सकती है। आप बताओ आपने ट्रेलर देखा या नहीं देखा, और देखा तो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।